أعوذ بالله من الشيطان العين رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم.

जिसका तर्जुम यह है और उनको नूआ सलाम का क़स्सा भी सुना दीजिए कि जब उन्होंने अपने कौम से कहा है, मेरे कौम वालों अगर तुम पर मेरा तुम में रहना और अल्लाह के आते सुनाना और नसीहत करना तुम्हें और गफलत से बेदा करना भी तुम्हारे लिए नाकबिल बर्दाश्त हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है तुम सब मिलकर अपने ठहराए हुए ख़ुदा के शरीकों को अपने साथ मिलाकर अपनी मुहिम तैयार कर लो फिर जब तुम्हें अपने मुतफ़ा फ़ैसले में कोई शक बाकी ना रहे और उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से छुपा भी ना रहे तब मेरे ख़िलाफ़ जो चाहो करो और मुझे मोहलत ही ना दो रसूल करम अलैहि वसम की दुश्मन कौम बजाय इसके कि उनकी माकूल बातें और मुनासिब तनखीद सुनकर अपने गिरबान में मूँ डालती उल्टी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई दलीलों का जवाब पत्थरों से और नसीहतों का जवाब गालियों से देने लगी हुआ उनका मुतालबा ये था कि हम अंधों के दरमियान जो आँखों वाला है वो हम आगे आँखें खोलने के बजाय अपनी भी आँखें बंद कर लें वर हम उसकी आंखें फोड़ डालेंगे ताकि आंखों की रोशनी जैसी चीज़ हमारी सरजमीन पर बाकी न पाई जाए तफ़ी माजदी में लिखा है इस आयत के जैल में कि इन सब बातों का जवाब ख़ुदा हज़रत नू स्लम का क़स्ा सुना कर दिया कि इस खस्से से उनको अपना जवाब भी मिल जाएगा और अपना अंजाम भी मालूम हो जाएगा आयत का पैगाम ये है कि अहिल मक्का तुमने नू असल्लाम उनकी कौम का हाल सुना अब तुम तो समझ गए कि मुनक हक़ को कभी हकीकी और अबदी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती बातिल की उछलकूद चमक धमक अकड़ मकड़ महज चंद गुज़ा होती है उनका अंजाम कार तबाही की सिवा कुछ नहीं होता इसलिए तुमको सलाम का किस्सा सुनकर इबरत हासिल करनी चाहिए अगर तुम खातुम नबीन सल वसम की तकजीब करते रहोगे और अपने शेख और जुल्म से बाज ना होगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जुनूसम की कौम का हुआ था इसी तरह ख़ुदा अपने रसूल सल्ला वसम को तसली दे रहा है कि आप सल्ला वसम काफिओं हक़ के दुश्मनों की शरारतों और बदमाशियों से गमगी ना हो हर नबी को इस ही किस्म की हालात का सामना करना पड़ा है यानी हक बाद कहना बलाव और तकलीफ़ों का सबब बन जाता है जब कल में हक़ हाँ बलंद होता है तो फांसी का फंदा तैयार होता है दूसरा पैगाम ये भी दिया गया कि देखो हर असूल सलील वसम ने किसी आदमी से कोई तालीम हासिल नहीं की फिर उसके बावजूद सिर्फ़ हमारी वही के से पिछली कौमों की किस कदर सही हो वाज हालात बयान फरमा गए हैं जो तालीम हासिल किए बग़ैर मुमकिन ही नहीं इसलिए सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि आप सलील वसम का मालम कोई इंसान नहीं बल्कि सब इंसानों का पैदा करने वाला आप सलील्ल वसल् का मालम इस तंगा ये बयान रसूल सलील वम की सदाकत की वाज दलील है अक्सर दुआ करने वाले ये सवाल करते हैं कि हमारी सारी दुआएँ क्यों कबूल नहीं होती इस सवाल का तफसीली जवाब देते हुए हमारे नबी फरमाते हैं हदीस का तर्जुम यह है कि हजूर सल्ला वसम से सवाल किया गया कि हम अल्लाह ताली से दुआं मांगते हैं और वो उन्हें कबूल नहीं करता जबकि इशात फ़माग है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारे लिए कबूल करूँगा फरमाया तुम्हारे दिल दस चीज़ों की वजह से मुर्दा हो चुके हैं नंबर एक तुम अल्लाह की माँफत तो रखते हो मगर उसकी इतात नहीं करते नंबर दो तुम कर्ान की तिलावत तो करते हो मगर उस पर अमल नहीं करते नंबर तीन तुम रसूल से मोहब्बत का दावा तो करते हो मगर उसकी आल से दुश्मनी करते हो नंबर चार तुम शैतान से दुश्मनी का दावा तो करते हो मगर उसकी मवाफ़त करते हो नंबर पाँच तुम जन्नत को पसंद तो करते हो लेकिन उसके लिए अमल बजा नहीं लाते नंबर छः तुम जहन्नम चढ़ाने का दावा तो करते हो मगर अपने जिस्मों को उसमें अपने अमल के जरिए फेंक देते हो नंबर सात तुम अपने उयूब को भूल कर दूसरों के उयूब ढूंढने में मशहूल रहते हो नंबर आठ तुम दुनिया को नापसंद करने का दावा तो करते हो मगर उसके लिए माल जमा करते हो नंबर नौ तुम मौत का इक्रा तो करते हो मगर उसकी तैयारी नहीं करते नंबर दस तुम अपने मुर्दों को दफन तो करते हो मगर उनसे बत हासिल नहीं करते इसी बिना पर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाती असलकुम वाहम्ला वबरको